पहाड़ों में सेहत का सवाल बेशक 19 साल बाद भी अनुत्तरित हो, लेकिन सूबे की सरकार ने इसका विकल्प खोजने की कोशिश की है। अटल आयुष्मान योजना लाकर सरकार ने राहत देने की बड़ी पहल की है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हुई हैं और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम तो हमारा जो अटल आयुष्मान योजना है, उस पर हम मरीजों को बहुत आसानी से जो वर्ल्ड क्लास या कह लीजिए राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं देने में जो हमको दिक्कत होती थी वो हम देना शुरू कर रहे हैं और उसका फ़ायदा हमारे गरीब मरीजों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस उसको राशन कार्ड चाहिए और उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, तो लोगों को सुविधाजनक जब स्थान मिलेगा तो डॉक्टर अपनी परिवार के साथ जो रहने का वातावरण वहाँ पाएगा तो वहाँ रहेगा और जब वहाँ रहेगा तो काम करेगा, काम करेगा तो सभी लोगों को फ़ायदा होगा, जन स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हो पाएंगी। अटल आयुष्मान योजना राज्य के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। अटल आयुष्मान योजना जब से लागू हुई सुकून मिल रहा है। अकेले दूर अस्पताल के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जब से योजना लागू हुई 5000 लोगों को फायदा मिल चुका है, जबकि कई निजी अस्पतालों में भी अटल आयुष्मान योजना जारी है। अभी तक हम एक साल में लगभग 5000 को बेनिफिशियरी को जो है यहाँ पर इलाज दे चुके हैं और लगभग हमारा 3 करोड़ के आसपास अमाउंट हो चुका है क्लेम अमाउंट और मतलब लगभग पर डे 30 से 40 पेशेंट हैं हमारे पास एवरेज। नहीं, मरीजों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसमें। कुछ कुछ तो जैसे योजनाएं जैसे JSY को तो जननी सुरक्षा योजना में पर डे 20 से 25 पेशेंट तो हमारे वहाँ चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लगभग इधर अदर उसमें हम लगभग 40 से 50 के 20 पेशेंट पर डे हमारे पास आ रहा है। इन 19 सालों में स्वास्थ्य सेवा में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना राहत दे रही है तो राज्य में कई सरकारी मेडिकल कॉलेज भी उम्मीद के चिराग जला रहे हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और दून मेडिकल कॉलेज भी इन 19 सालों में ही बने हैं, जबकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भी परवान चढ़ रहा है। देखिए, यहाँ तो दून मेडिकल कॉलेज का सवाल है। दून मेडिकल कॉलेज में 2016 में यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आने शुरू किए थे MBBS के स्टूडेंट्स, उसके तहत मेडिकल कॉलेज की पूरी बिल्डिंग तो बनी है उसके, और दून अस्पताल में 2 नई बिल्डिंगें बन रही हैं, जो कि एक बिल्डिंग का आधा पोर्शन OPD का हमें मिल चुका है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। आधा बिल्डिंग में कुछ कार्य बचा हुआ है, जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाएगा हम उसमें टोटल OPD ब्लॉक हमारी शिफ्ट हो जाएगी। 90% काम हमारा जो है OT ब्लॉक का तैयार हो चुका है। 10 OT बननी है उसमें बर्न यूनिट बनानी है, उसमें ट्रॉमा यूनिट बनानी है, उसमें गायनी बनानी है, निक्कू बनानी है, 35 बेड के हमारे उसमें ICU बनना है। 10 बेड का ICU हमारे पास अभी है, 5 बेड का सर्जिकल ICU, 5 बेड का मेडिकल ICU, लेकिन हमारे पास 35 और बेड और बनने जा रहे हैं। 35 बेड लगा के हमारे पास सुविधाएँ 45 बेड की ICU की हो जाएंगी, जो एक अच्छी खासी तादाद में होंगी, जिससे मरीजों को बाहर जाना होता है ICU में, बहुत महंगा इलाज पड़ता है, वो हमारे आसानी से बेड उपलब्ध होने पर हमारे यहाँ आसानी से उनका इलाज हो सकेगा। 19 सालों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 1 निर्माणाधीन है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाला कल बेहतर साबित होगा। सेहत के जो आप इस वक्त बेचैन कर रहे हैं, आने वाले कल में नहीं करेंगे। देहरादून से रवीना कुंवर की रिपोर्ट।